हाय दोस्तों, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता गोंड छोरी। सो दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग वीडियो चैनल है, बट इस वीडियो में आज ब्लॉग नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं फ्लिपकार्ट से जो मैंने पार्सल मंगवाए थे ऑर्डर करके, वही सब अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और आप लोगों को बताऊँगी कि इनमें से क्या चीज़ आप लोगों को ख़रीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सारा रिव्यू मैं इसमें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है आप लोगों के लिए ज़रूरी वीडियो हो। अगर आप लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रहा अपना पार्सल, इसमें ही सारे आइटम्स रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने एक साथ ऑर्डर की थी तो सारे इसी में पैक करके और भेज दिए हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तो इसको खोल लिया गया पहले, क्योंकि इसको पापा जी ने लेकर आए थे तो वहाँ पर रोड पे ही इसका मतलब कुछ लोग मिल गए थे, तो उन्हीं ने खोल कर देख लिए थे, तो हमने भी देख ही लिए थे, बट आप लोगों को मैं फिर से दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटा वाला प्रोडक्ट। ठीक है, पहले ये वाला देख लीजिए गाइस। ये वाला मैंने बहुत पहले मंगाई थी, बहुत पहले नहीं लेकिन दो हफ्ते हो गए होंगे, दो तीन हफ्ते हो गए होंगे, तो इसको मंगाई थी। इसका भी मैंने रिव्यू नहीं दी थी, तो मैं इसको भी खोल कर दिखा देती हूँ। वैसे इसको मैंने यूज़ कर ली हूँ। इस प्रोडक्ट का पिक इस तरह से है, तो ये देख लीजिए अभी पिक और इसकी प्राइस, और फिर मैं ये दिखाऊंगी आप लोगों को। सो गाइस, कुछ इस तरह का है, जो बड़ा नेकलेस है और इसके साथ बालियां हैं, लाइट भी गई, ये क्वालिटी भी अच्छी दिख रही, वैसे लाइट नहीं है तो ये तो चमचमा रही थी। तो देखिए ये कुछ इस तरह का है और इसके जो झुमके इस तरह के हैं। इसके साथ ये वाला आया है जो कि बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ इस तरह के झुमके भी आए हैं। सो ये आप ले सकते हो, इसको ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो दोस्तों, अंदर लाइट नहीं है तो इनाला में बन नहीं रहा था वीडियो, तो मैं आ चुकी हूँ बाहर और यहीं पर आप लोगों को सारे पार्सल दिखाऊंगी। तो अभी बारी है दूसरे पार्सल की, सबसे छोटे से शुरू कर रहे हैं हम, सबसे छोटे छोटे फिर बड़े। ठीक है, तो अभी दूसरे पार्सल की बारी है। और गाइस, दूसरा पार्सल है ये वाला। सारे पार्सल खुले हुए हैं क्योंकि वो भैया बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि क्या हुआ था। तो दूसरा पार्सल ये है, इसमें है ये वाला प्रोडक्ट, तो देखते हैं कि सेम ऐसा ही है कि नहीं है। तो कुछ इस तरह का है, और इस पिक में जो ये झुमकियाँ हैं दोस्तों, ये पूरी ऐसे बांध के दिए थे, तो मुझे सुलझाने में इसको बहुत टाइम लग गया था, बट ये बिल्कुल सेम इसके ही जैसा है जैसा पिक में दिखाया जा रहा है, सेम टू सेम वैसा ही है और बहुत ही प्यारा है। तो आप इसको ले सकते हो अगर गर्ल्स हो कोई तो। और तीसरा पार्सल ये रहा दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इसलिए तो क्लियर आवाज़, भगवान करे क्लियर ही आवाज़ आए। करके दिखाती हूँ, सबसे पहले इसका पिक देख लो, क्योंकि मुझे बहुत हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसको देख चुकी हूँ और जैसा पिक में दिख रहा है वैसा ये बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसा है, ये पिक देख लीजिए अभी अच्छे से और इसकी प्राइस भी देख लीजिए। तो ये रहा भाई अपना आईलाइनर, जो कि मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई फाई वाला बता रहा पड़ा, इसमें दो आईलाइनर बता रहे हैं बट ये एक ही है इसमें, और इसमें दिखा रहा काजल की डिबियाँ अलग अलग प्रकार की, बट इसमें आई है ये काजल की डिबियाँ जो कि मार्केट में 10-10 रुपए की मिलती है। और ये देखिए, ये है लिपस्टिक जो कि पिक्चर में कुछ और रियल में कुछ और है, ये बिल्कुल सिंदूर की डिबिया जैसी है, अगर इसको लगाओगे तो कैसा है? इसका कलर जो है बिल्कुल ही भगवा रंग का है, पीला पीला सा है दोस्तों, इसका रंग भगवा रंग टाइप में है, पीला भी नहीं है, भगवा रंग है इसका कलर। और ओंट में लगाने से ओंट ऐसे बड़े हो जाते हैं बिल्कुल ही, और छुटती भी नहीं है और बहुत ही गंदी है ये। तो और इसमें आया है ये, इसमें है आईलाइनर ब्रश वाला और है
मस्कारा। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसको परचेज ना करें, वो है स्पीकर जो कि कुछ इस तरह का है और ऐसा कुछ दिख रहा था, तो मैंने इसको परचेज की थी। इसका रिव्यू भी देखी थी मैं बहुत सारे, तो सब ने बहुत अच्छा करके दिखाए थे, बट ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा साउंड है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इसका प्राइस के हिसाब से इसका साइज कुछ छोटा हो गया, वैसे मुझे लगता है कि इसका साइज छोटा है, ये इतना सा बड़ा है। तो मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये है ब्लैक कलर का, जब इसको ऑन करती हूँ ब्लूटूथ मोड, तो इसका साउंड जो है बहुत ही अच्छा, और इसका साइज ही बस छोटा है, बाकी बहुत ही अच्छा है, आप इसको ले सकते हो फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों ये सब प्रोडक्ट का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, तो आप सबको इन प्रोडक्ट में से कौन सा सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप आप सबको ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस आप सबको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय जोहार। यही तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना।